अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास की बुक का पहला टॉपिक जो उनका पहला टॉपिक बीइंग हेल्दी स्टेइंग फिट यही पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस बोलते हैं हम साफ सुथरा रहने को। साफ सुथरा रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है ताकि हम साफ सुथरे रहें। उसमें से है बहुत सारी चीज़ों में जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत जिनसे हम क्लीन रह सकते हैं। पहला है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। हमें चाहिए कि हम दो बार रोजाना ब्रश करें, एक मॉर्निंग में दूसरा इवनिंग में या नाइट शाम को। वी शुड हैव अ बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली टू कीप देम क्लीन, हमें रोज अपने बालों को धोना है ताकि वो साफ रहें। We should wear clean clothes, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। We should wash our hands with soap before and after all meals, खाना खाने से पहले भी हमें साबुन से अपने हाथ धोने हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने हैं ताकि हमारे हाथ साफ रहे, ताकि हम साफ रहें। We should wash our hands with soap after using the toilet, जब हम टॉयलेट जाएंगे उसके बाद भी हमें अपने हाथ जो है वो साबुन से धोने हैं। We should comb our hair daily, अपने बालों को कंघा करना है, अपने बालों को मतलब संवारना है ठीक से। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम क्लीन रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। उसके बाद है हेल्दी फूड हैबिट्स, वो आदतें जो हम अपना सकते हैं अपनी गजा में, जो हम खाते हैं फूड्स खाते हैं, फूड्स के रिलेटेड कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनसे हम फिट रह सकते हैं। अगर हम देखेंगे हमें अपने आप को फिट रखने के लिए जो फूड हैबिट्स उनको फॉलो करना है, उनमें से फ्रेश एंड क्लीन फूड। फ्रेश एंड क्लीन फूड होना चाहिए। वी शुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, हमें रोज अलग अलग वैरायटी के फूड्स खाने हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। सम काइंड्स ऑफ फूड्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमें क्योंकि ये फूड्स है जो हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास हेल्दी फूड्स हो या फ्रेश फूड्स हो, ठीक है। ये सारे के सारे और हमें इसके अलावा रोजाना प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर पीने की जरूरत है ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। हमारी ये भी आता है, यानी कि जो वाटर है प्लेंटी ऑफ वाटर, ये भी आता है हेल्दी फूड हैबिट्स में। उसके बाद ये जो फ्रेश एंड हेल्दी फूड्स है, फ्रेश एंड हेल्दी फूड्स ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें जो खतरा होता है डिफरेंट डिजीज का, जब हम फ्रेश एंड हेल्दी फूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स जब हम लेते हैं, हमारी जो बॉडी है वो डिजीज से प्रोटेक्टिव हो सकती है इन हेल्दी फूड्स से। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होती है जो हम मतलब कोई भी फिजिकल प्रैक्टिस होती है जिससे हम क्या होते हैं, जिससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। उनमें से कोई आउटडोर एक्सरसाइज हो सकती है, कोई इंडोर एक्सरसाइज होती है। आउटडोर एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक रनिंग है, जस्ट लाइक प्लेइंग है, जस्ट लाइक राइडिंग बाइसिकल, दीज आर ऑल आउटडोर एक्सरसाइजेस। और ये जो सारी एक्सरसाइजेस है ये हमें रूटीन बेसिस पे करनी जरूरी है, रोजाना करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम रोजाना करेंगे तभी हम फिट रह सकते हैं। अगर एक दिन करेंगे तो बाद में नहीं करेंगे, हम फिट नहीं रह सकते हैं। ये जरूरी है, इससे हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है, हमारे हर एक पार्ट बॉडी पार्ट तक ब्लड जाता है और वो हेल्दी रह सकता है, वो फिट रह सकता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इनसे एक और बेनिफिट हमें मिलता है, वो है हम हेल्दी रहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है, हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बनती है, वो हेल्दी रहते हैं या हम हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस एक्सरसाइज से वो थोड़ा वो हमारा माइंड जो है वो क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन से दूर हो सकता है। उसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिप्रेशंस होते हैं हमारे पास, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशंस होते हैं, इस एक्सरसाइज की वजह से वो भी दूर हो जाते हैं और हम अच्छे से हमारी जो लाइफ है वो बेटर तरीके से चल सकती है। उसके बाद एक और चीज है हेल्दी रहने के लिए, आप फिट रहने के लिए, वो है हॉबीज। हॉबी हम उस चीज हॉबी हम किसको बोलते हैं, जो भी काम हम फ्री टाइम में करते हैं, जो भी काम हम फ्री टाइम में करते हैं, जब भी हम बैठे हुए होते हैं, फ्री होते हैं, कोई काम नहीं पड़ा होते, तब जो जो हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉबी।
हाजी से क्या होता है, हाजी से भी इंसान खुश रह सकता है क्योंकि वो अपनी मर्जी की चीज कर पाता है, जो वो चाहता है वो चीज कर पाता है, और इस हॉबी की वजह से वो खुश रहता है, वो फिट रह सकता है, उसकी हेल्दी बॉडी बन सकती है। और जो ये हॉबीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबीज है हमारे पास करने को, बहुत सारी हॉबीज है, उनमें से राइटिंग पोइम्स, हम पोइम्स लिख सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम गार्डनिंग यानी कि हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे छोटी छोटी गार्डन लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, या पेंटिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबीज है जिन की बिना से या जो हॉबीज हमें हेल्प करते हैं अपने आप को अच्छे से ग्रो करने के लिए, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ये सारा कुछ इस टॉपिक में हमें पढ़ना था, बीइंग हेल्दी एंड स्टेइंग फिट। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टॉपिक।